अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन जो है इन जलपात्रों का जो है बहुत महत्व होता है। जलपात्रों का दान जो है वो भी किया जाता है कई जगहों पे। इसका एक विशेष ऐसा महत्व होता है जलपात्रों का, और इसका दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है ऐसा भी कहा जाता है। आप देख पा रहे हो कि मटके जो है हमें बाजार में दिखाई दे रहे हैं। अक्षय तृतीया जो है कल ही अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, आखा तीज का मुहूर्त है, और इस मौके पर जमकर इन जलपात्रों की जो है खरीदारी शुरू है। अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, यह पर्व चिलचिलाती गर्मी में आता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया के बारे में कहा गया है कि इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य बिना किसी मुहूर्त देखे संपन्न किए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन नए मिट्टी के मटके का पूजन कर उसमें पीने के लिए पानी भरे जाने की प्राचीन परंपरा है। जिस महीने में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है बैसाख मास में, तब गर्मियों की चिलचिलाती धूप रहती है और धूप में ठंडा पानी गर्मी से सबसे ज्यादा निजात दिलाता है। आजकल अधिकतर लोग गर्मी में ठंडे पानी के लिए फ्रीज पर भी निर्भर है, लेकिन कुछ लोग गर्मियों में ठंडे पानी के लिए मिट्टी से बने मटकों का उपयोग ही ज्यादा अच्छा मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में लाए गए मटके का पूजन करना चाहिए, क्योंकि मटके को कलश का प्रतीक माना जाता है जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार कलश के मूल में प्रजापिता ब्रह्मा का, कंठ में महादेव रुद्र का और मुख में भगवान विष्णु जी का निवास होता है। कलश पूर्णता का प्रतीक होता है और जिस घर में कलश की पूजा होती है उस घर में सुख समृद्धि और शांति सदैव बनी रहती है। साथ ही जल को वरुण देवता का रूप मानते हैं और जल को प्रत्यक्ष देवता भी कहा गया है। बाजार में जो है इन जलपात्रों की मांग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि आखा तीज और अक्षय तृतीया पे इसका खास अपना महत्व है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।